फ्रेंड्स, यहाँ जो आप लोग इतना आज भीड़ देख रहे हैं वीडियो में, ये बसंती कॉलोनी में जो पोखरी है उसके बगल में जो बस्ती है अंबेडकर बस्ती, उसी का भीड़ है ये। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग जितना भीड़ देख रहे हैं इस बस्ती में, आधा लोग बस्ती के हैं और जो आधा लोग खड़े हैं जेंट्स लोग, उन लोगों का दुकान है बसंती कॉलोनी में, यानी कि स्ट्रीट वेंडिंग। यहाँ जो ढोल ढोलक बज रहा है ये उनका स्वागत के लिए बजाया जा रहा है, श्री शारदा नायक जी का स्वागत के लिए। गाइज, श्री शारदा नायक जी इस बस्ती में इसीलिए आए क्योंकि बस्ती का कुछ घर में, कुछ लाइन में पानी का प्रॉब्लम चल रहा है और कोई मंदिर का बात को लेकर के वहाँ पे कुछ बातचीत वगैरह चल रहा है, इसलिए वो खुद आ करके बैठ करके वहाँ इस बारे में बात करना था उनको, इसलिए वो इस बस्ती में आए थे। फ्रेंड्स, आप लोग जो यहाँ इतना भीड़ देख रहे हैं, एक्चुअली ये एक मंदिर है। मंदिर का बाउंड्री में 8-10 चेयर लगा के, टेबल लगा के, कुछ मिठाई बांट के वहाँ शारदा नायक जी बैठे थे और वहाँ का जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल लोग हैं, उनका बात सुने और वहाँ कैसे क्या इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे उस जगह का बस्ती का विकास होगा, उसी बारे में पूरा टोटल बात चल रहा था। गाइस, यहाँ जो आप लोग भीड़ देख रहे हैं ये सब लोग दुकान वाले हैं और बाकी जो 3-4 लोग हैं वो लोग म्यूनसिपैलिटी के हैं। वो लोग यहाँ से सब जो ठेला रेडी है सबको हटा रहे हैं, इसी के लिए ये सब दुकान वाले जो हैं वो श्री शारदा नायक जी से बात करने के लिए जगह के बारे में वहाँ पहुँचे थे, अंबेडकर बस्ती। जो भी छोटा छोटा स्टॉल, रेडी, ठेला रखा गया वो सबको हटाने के लिए देखिए जेसीबी आया हुआ है और ये म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, इसमें इनमें से कुछ दुकानदार हैं। सबको टेंशन है कि हटा के जाएंगे कहाँ। और ये देखिए आप लोगों को डंपर दिख रहा होगा बीच रोड में और ये वो स्टॉल सब है, सब स्टॉल को हटा के साइड में किया गया है। और वो जो डंपर आप लोग देखे, वो डंपर में फुल डंपर बालू भरा हुआ है। जहाँ 2 दिन पहले ये स्टॉल हुआ करता था वहाँ पे आज बालू गिरा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी आप जितना भी वीडियो देखे मेरा, जो भी वीडियो में मैं आप लोग को दिखाया, ये सब वर्ल्ड कप होने से पहले जो प्रिपरेशन किया जाता है उसी रिगार्डिंग ये टोटल वीडियो है।
श्री शारदा नायक जी से मिलने के लिए यहाँ के जितने भी दुकान वाले थे वो सब कोई आए। सब दुकान वाला आकर के बात किए कि हम लोग को जो हटाया जा रहा है, जो भी आप लोग क्लिप में देखे वो सब छोटा छोटा रेडी ठेला वाला लोग थे, अब वो सबको हटाया जा रहा है। अब हटाने के बाद उनको कौन सा जगह में ऐसा जगह प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ कि उनका दुकान पहले जैसा चले या फिर दुकान अच्छा चले, ये बोल सकते हैं। इसी रिगार्डिंग वो अम्बेडकर बस्ती गए थे, जो कि बसंती कॉलोनी में है, पोखरी के बगल में यानी तालाब के बगल में जो है, वहाँ गए, वहाँ के लोग से भी बात किए और छोटा छोटा दुकान वाला लोग के साथ क्या करना है, उनको कहाँ जगह देना है, क्योंकि बसंती में तो वहाँ जहाँ वो लोग दुकान लगाते थे वो सब जगह अभी बालू वालू डला करके वहाँ प्रिपरेशन चालू हो चुका है, तो वहाँ अब दुकान लगाने का सवाल ही नहीं होता है। इसीलिए अब क्या करना है, इसी के लिए ये वीडियो आप ही लोग के लिए था। अगर आप लोग का कोई भाई, रिलेटिव, दोस्त, कोई भी अगर इस टाइप का कर रहा है राउरकेला में, रेडी या ठेला वगैरह कुछ लगा रहा है, तो आप लोग भी हो जाइए सावधान, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये सब होने वाला है, साफ सफाई। तो गाइस, आज का वीडियो में बस आप लोग को इतना ही अपडेट देना है कि बसंती में जो लगा हुआ था दुकान रेडी ठेला, वो सब कुछ हट चुका है एक पर्टिकुलर प्लेस से, और दूसरा प्लेस कहाँ जाएगा अभी सब एक साइड करके रखे हैं, उनको कहाँ जगह मिलेगा, कब मिलेगा, ये बताना बेहद ही मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग किसी जगह के बारे में नहीं था, बस एक खबर ही देना था आप लोग को। तो आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कुछ ही दिन बाद एक और नया प्लेस, एक और नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।